तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और उससे पहले नहीं होते हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से नागपुर से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। सो गाइस इस वीडियो पर लास्ट एंड तक बने रहो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस रणवीर मूवी जो कि नागपुर इंडस्ट्री के लिए एक बिगेस्ट एक्शन फिल्म बनने जा रहा है, और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है। और इस फिल्म का काफ़ी पहले अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन अभी तक क्यों इस फिल्म को शूट नहीं किया गया है वो सारा चीज़ आपको बताएंगे, तो केवल लास्ट एंड तक बने रहो। तो यार आप सभी को बता दें कि कितना परसेंट अभी तक शूटिंग हो चुका है। तो यार आपको बता दें कि 20-30% तक अभी तक में शूटिंग कंप्लीट कर लिया गया है, के जो कि अभी जस्ट अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है। रणवीर के सेकंड शेड्यूल का शूटिंग जो कि रांची के सिली मैदान में चल रहा था, और ये शूटिंग जो कि रांची के बड़ा सा मैदान में यानी कि फुटबॉल ग्राउंड में करना था, जिसे कंप्लीट कर लिया गया है। तो चलिए बताते हैं कि अभी तक इस फिल्म का शूटिंग कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। तो रणवीर का अनाउंसमेंट जो कि 1-1.5 साल पहले किया गया था, और अभी तक में काफी सारे डिले हो चुके हैं। तो इस फिल्म का डिले होने का सबसे बड़ा रीजन है इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि आदित्य कुमार। और रणवीर के स्टार्ट होने से पहले उनके कई सारे और बड़े प्रोजेक्ट थे, जिनमें शामिल है नागपुरी के मल्टी स्टार मूवी यानी कि गंगुआ, जिनमें से नागपुरी के कई सारे बड़े स्टार दिखेंगे। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य कुमार प्रसाद, और इस फिल्म का शूटिंग कंप्लीट नहीं हुआ था। और सेकेंड रीजन है इस फिल्म के दोनों ही एक्टर यानी कि रोहित आरके और विवेक नायक, जो कि उनके भी कई सारे अपकमिंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, जिनमें से विवेक नायक का 2-3 फिल्में आना है। और विवेक नायक जो कि 2 फिल्म का शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं, पहला है नासूर और दूसरा है दीवाना तोर प्यार में। और थर्ड रीजन है जो कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन। तो यार लॉकडाउन जो कि सभी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया था, और अब फाइनली रणवीर को रीस्टार्ट किया गया है। उम्मीद करते हैं कि यह फिल्म जो कि जल्द ही कंप्लीट हो जाए, और यह फिल्म जब भी रिलीज होगा नागपुर इंडस्ट्री को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। और बताया जा रहा है कि नागपुर का अभी तक में सबसे बड़ा हाई बजट वाला मूवी होगा, और इसमें से बॉलीवुड एक्टर को विलन के लिए कास्ट किया गया है, और इसके टेक्नीशियन जो कि साउथ से बुलाए गए हैं। तो जब भी यह मूवी रिलीज होगा नागपुरी ऑडियंस को एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, और जितने भी अभी तक में नागपुर फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हटकर होगा। और 2 एक्टर वाला मूवी को हर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इससे पहले जो कि 2 एक्टर वाला मूवी नागपुरी में इससे पहले नहीं बना है, तो दोनों ही एक्टर को एक साथ देखने के लिए नागपुरी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप इस मूवी के लिए आप कितना ज़्यादा वेट कर रहे हो, और हम तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।